1984 सालच्या शीख दंगली प्रकरणात दोष सिद्ध झाल्याने काँग्रेस नेते सज्जन कुमार यांना जन्मठेपेची शिक्षा दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावली. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे शीख समाजाने स्वागत केले. गुरुद्वारासमोर फटाक्यांची आतिषबाजी करून दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत करण्यात आले. हजुरी क्रांती संघटनेच्या वतीने येथे जल्लोष करण्यात आला. मंजित सिंग कुंजीवाले, राजेंदर सिंग पुजारी यांच्या पुढाकाराने गुरुद्वारासमोर आनंद साजरा करण्यात आला. 1984 सालच्या दंगलीतील सर्व आरोपींना फाशी देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. मध्य प्रदेशात कमलनाथ यांना मुख्यमंत्री पद देण्याच्या काँग्रेसच्या निर्णयाला देखील विरोध करण्यात आला. यावेळी दंगलीतील आरोपी आणि काँग्रेस नेत्यांविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. आज हम यहाँ पे सब सिख समाज में ये खुशी की लहर है. 1984 के बाद लगभग 35 साल के बाद आज कोर्ट का निर्णय आया है कि सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दी गई बोल के, और हमारे पूरे सिख समाज में इसको बहुत खुशी की लहर है आज. और जितने भी इसके अंदर दोषी है, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, कमलनाथ, इन सबको फांसी की सजा होना. निर्दोष सिखों को मारा गया दिल्ली में, पंजाब में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और ये घिनौना काम कांग्रेस पार्टी ने किया है. ये और आतंकवाद का हमें नाम दिया गया है. सिख समाज ने हर समुदाय के लिए खालसा पंथ श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सजाया है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए. गुरु तेग बहादुर हिंदी जात गुरु गोविंद सिंह महाराज के जो हमारे नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज है, जब बामनों का जब क्या बोलते बामनों के लिए जने उतारा जा रहा था, तब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने शीश देकर दिल्ली में उनकी रक्षा की. और सिख समाज पहले से ही हिंदू धर्म की रक्षा करता आया है, और एक कांग्रेस पार्टी ने जो इतना बड़ा घोर अपराध पाप किया था, बेकसूर सिखों को, निहत्थे सिखों को हिंदुस्तान में मारा गया था, उसे आज थोड़ा न्याय मिला. पूरा न्याय नहीं मिला, अभी थोड़ा न्याय मिला. जितने भी दोषी है, जितने भी ये पाप करे, जितने भी लोगों ने, उन सबको फांसी की सजा देनी चाहिए. और जितना अभी राजस्थान में जो भी हुआ कमलनाथ पे, अभी इंक्वायरी चालू है, वो बाइज्जत बरी नहीं हुए. और हमारे लोकतंत्र में ऐसा कहा जाता है कि जिसके ऊपर गुनाह दाखिल है नरसंहार का, उसको हम कोई भी पार्टी का बड़े पद पर नहीं बिठाना. ये हमारा एक संजीव घटनाक्रम कहता है, संविधान कहता है. परंतु आज जो भी हमारे को निर्णय आया, इसमें थोड़ी सी रंचक मात्रा हमारे में खुशी. लोग जो जिसमें न्यायालय पर भरोसा करते हैं, हमारे को आज न्यायालय पर भरोसा हुआ. हम आज भी न्यायालय को, वरिष्ठ लोगों को ये विनती करते हैं कि जगदीश टाइटर को, कमलनाथ को, इनको सबको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इस घटनाक्रम को होकर 35 साल हो गए, फिर भी बहुत लेट आया इसका निर्णय. मगर जो भी हम उसका सत्कार करते हैं, सिख समाज यहाँ पर सत्कार करने के लिए कट हुआ है. 34 वर्षों के बाद हमें न्याय मिला है. वो एक फिल्म स्टार एक हरण को मारता है तो उसको 5 साल में सजा होती है, लेकिन हम सिखों को 34 वर्ष के बाद में न्याय मिला है. 3000 निर्दोष सिखों को नरसंहार ये कांग्रेस पार्टी ने कराई थी. इंदिरा गांधी के हत्याकांड होने के बाद निर्दोष सिखों को मारने के लिए कांग्रेस के पूरे पदाधिकारी पूरे के पूरे, जिसमें विशेष तौर पे जगदीश टाइटल, कमलनाथ, एचकेएल भगत, ये सारे, आज एक को सजा हुई. जल्द से जल्द हमारी बेनती है केंद्र सरकार को, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर में बचे हुए जो फैसले है, अभी तो हर एरे के अंदर में एक एक घटना घटी थी, 2 घटनाओं के अंदर में भी सजा हुई, वैसे अभी 200 घटना है पूरे दिल्ली के अंदर में.